राजस्थान सरकार और कांग्रेस संगठन में चल रही वजूद की राजनीति का संघर्ष थम नहीं रहा है। इससे सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सरकार और संगठन से नाराज पार्टी के कई नेताओं ने अपनी आवाज आलाकमान तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में डेरा डाल दिया है। नेताओं का ये दिल्ली दौरा पार्टी में पड़ी दरार को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। देखिए रिपोर्ट। रेगिस्तान की राजनीति में कमल को हराकर कांग्रेस के हाथ ने कब्जा तो जमा लिया, लेकिन तब से लेकर अब तक पार्टी अपनी कलह को खत्म नहीं कर पाई है। कई बार पायलट परेशानी को बढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं तो कभी कई और नेता मोर्चा खोलते हैं। सरकार और संगठन से नाराज पार्टी के कई नेता तो दिल्ली तक पहुंच गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुके पार्टी के कई नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बारे में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के बाद ये नेता अब दिल्ली में डेरा जमा कर बैठ गए हैं। निर्दलीय विधायकों से नाराज 19 कांग्रेसी नेता अब आलाकमान से आर पार की बात करने के मूड में हैं। ये सभी नेता पिछले दो दिन से लगातार AICC महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मिलने का वक्त नहीं मिला है। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस नेताओं में शाहपुरा से चुनाव लड़ चुके मनीष यादव, खंडेला के सुभाष मील और बस्सी के दौलत सिंह शामिल हैं। मनीष यादव का कहना है कि निर्दलियों के सरकार को समर्थन देने का स्वागत हमने भी किया था, लेकिन निर्दलीय सत्ता में क्या शामिल हुए उन्हें पूरा कांग्रेस संगठन ही सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सभी कांग्रेसी अजय माकन से मिलकर निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस नेताओं के मुकाबले दी जा रही तवज्जो के बारे में अपनी शिकायत रखेंगे। अब नाराज नेताओं के इस बयान से साफ है कि वो निर्दलियों के खिलाफ हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में बैठे आलाकमान कैसे राजस्थान के नेताओं के दिलों को करीब लाते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।